रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण तेजी से जारी है। जनवरी में रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगी, जिसके बाद बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगी। अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर मंथन कर रही हैं कि अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्तों को बिना किसी असुविधा के सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की जा सके। ऐसे में वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था में आंशिक बदलाव करते हुए अब विशेष सुरक्षा बल SSF को भी राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है, जिसको लेकर मंदिर की स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक में ट्रस्ट के साथ सुरक्षा के अधिकारियों ने भी सहमति दे दी है। आपको बता दें कि 20 सितंबर से SSF को तैनात कर दिया जाएगा। अयोध्या परिसर जन्मभूमि तीर्थ स्थल की स्थायी समिति का आज बैठक हुआ है। इस तीर्थ स्थल की सुरक्षा से संबंधित सभी विभिन्न इकाइयों का समन्वय करने के लिए यह गोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। नवीन सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी चर्चा हुई है। अभेद्य सुरक्षा बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। SSF को इस सुरक्षा व्यवस्था में जोड़ा जा रहा है। यहाँ का स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ साथ SSF भी इस कार्य में जुटकर लगेंगे। आपको बता दें कि मंदिर निर्माण कार्यशाला में राम जन्मभूमि परिसर की स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। करीब 2 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में आगामी जनवरी 2024 में प्रस्तावित तो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाए जाने को लेकर विचार विमर्श हुआ। स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है, उसी को आज बैठक आयोजित की गई थी और ADG सिक्योरिटी, ADG जोन लखनऊ और IB के वरिष्ठ अधिकारी और बाकी जितने अधिकारी पुलिस और प्रशासन के हैं वो सब लोग इस बैठक में मौजूद थे। और इसमें किस प्रकार से राम जन्मभूमि परिसर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को कैसे सिक्योर रखा जाना है उस पर चर्चा की गई, और जो पिछली बैठकों में जो बिंदु तय हुए थे उनके अनुपालन की चर्चा हुई और आगे क्या कार्य योजना होगी उसके बारे में विचार विमर्श किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले राम जन्मभूमि की सुरक्षा में CRPF की तैनात रहती थी। करीब 35 वर्षों से जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था CRPF के जवान संभाल रहे हैं। CRPF को रिप्लेस कर अब जन्मभूमि की सुरक्षा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी UPSSF को सौंप दी जाएगी, जिसको लेकर सुरक्षा समिति के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है। पंजाब केसरी TV के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।